दीप, आज का सेशन लड़ाई वाला है। मतलब लड़ाई होगी तो ही जीत होगी, राइट? तो हम विजयादशमी वाली थीम पर, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आज की लड़ाई ग्लोबल वर्सेस लोकल संकेतों के बीच में। एक तरफ ग्लोबल संकेत है जो आपके बेहद कमजोर है, और दूसरी तरफ लोकल संकेत है जो उतने खराब उतने कमजोर है नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नेटवर्क ठीक रहे तो मैं अगर वीडियो क्वालिटी बेहतर हो तो मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक, उससे पहले मैं आपको ग्लोबल संकेतों के बारे में बता दूं। ग्लोबल संकेतों में अच्छा और खराब दोनों है। खराब क्या है? खराब ये कि अमेरिका में फिर से 300 पॉइंट की कमजोरी हुई है। ये रोज 200 से 300 पॉइंट की रेंज में पिछले 3 दिनों से डाउ जो फिसल रहा है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस घटाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपकी 5 साल की आपकी बॉन्ड यील्ड 5% के ऊपर 2007 के बाद पहली बार निकली है, चिंता की बात है। हालांकि वहां से थोड़ी सी नीचे जरूर आई है। कच्चा तेल हल्का सा कम हुआ है और आपके डॉलर इंडेक्स स्टेबल है। तो वैसे देखा जाए तो क्लोजिंग बेसिस पे आप देखेंगे तो तीनों ही संकेत जितने खराब शुक्रवार को थे उतने ही आज भी हैं। तो उसमें कोई फ्रेश खराबी नहीं है। फिर अमेरिकी बाजार गिरे क्यों? और फॉरेन एक्सचेंज अमेरिकी बाजारों में जो जितनी गिरावट हुई है शुक्रवार को, उस गिरावट में ज्यादा योगदान दीप अमेरिका के अपने कारणों का है बजाय इन 3 कारणों के। और वो है अमेरिका में आए हुए कुछ कंपनियों के नतीजे जिनके वजह से डाउ वगैरह में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। सो आई थिंक हमारे लिए ग्लोबल संकेत जस के तस है, फ्रेश नेगेटिव नहीं है। जितने नेगेटिव शुक्रवार को थे उतने ही आज हैं, इससे ज्यादा नहीं। सो आई थिंक थोड़ा सा उस एंगल से हमें देखना चाहिए कि नेगेटिव तो है लेकिन बहुत ज्यादा उतने नहीं जितना कि आपको गिफ्ट निफ्टी वीकेंड पर 100 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा था कि इतने खराब हो जाएंगे। सो हम बहुत अच्छे संकेत तो नहीं लेके जा रहे हैं लेकिन उतने बुरे भी नहीं कि आपको गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुलता हुआ नजर आए। सो मिले जुले संकेत एक तरह से मान सकते हैं हल्की कमजोरी के। चलिए, ये अच्छा है कि मिले जुले संकेत है, हल्की कमजोरी है, कुछ ज्यादा और खराब नहीं हुआ है हमारे लिए ओवर द वीकेंड। और ऑफ कोर्स सर, हमारे फैक्टर्स पर भी हमें रिएक्ट करना है। एक तो मैं आपसे पहले समझना चाहूंगा, क्योंकि अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस लिहाज से बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में डिफेंड किए, उसके ऊपर ही बंद हुए, वहां से क्या समझना है? तो दीप, आज है ना, मैं आपको कमेंट्री दूं, उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। जो ग्लोबल संकेतों की हमने बात की, अब लोकल संकेतों में दो संकेतों पे आपको फोकस करना है। एक वीकेंड पे आए हुए रिजल्ट्स, और वीकेंड पे जितने रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स में कहीं भी कोई एक्सीडेंट नहीं है, है ना? नंबर्स आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स बहुत मजबूत है, किसी भी पैरामीटर से देख ले, मैं आगे विस्तार से विश्लेषण करूंगा। दूसरा, बाकी बैंक्स के जो नंबर्स आए, चाहे वो कोटक हो, आरबीएल हो, किसी भी लिहाज से नंबर्स खराब नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह कि वीकेंड पर रिजल्ट्स का कोई एक्सीडेंट है नहीं आपके लिए। दूसरा ये कि शुक्रवार को आप कमजोर रहे भी थोड़े बहुत, लेकिन आप देखिए एफआईआई की तरफ से बिकवाली के आंकड़े हैं नहीं। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी 1,000 करोड़ से ज्यादा की, जोमेटो में 1,040 करोड़ की थी, उसके बावजूद एफआईआई की बिकवाली के आंकड़े नहीं, कैश मार्केट में खरीदारी के है। और वायदा कारोबार में अगर उन्होंने स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे तो बेहद मामूली। सो आई थिंक वहां से दूसरा कंफर्ट आता दिखा है। तो लोकल फैक्टर्स मेरे आज हफ्ते की शुरुआत करने के लिए दोनों ही संकेत बुरे नहीं है। एक और जहां नतीजे अच्छे, और दूसरी ओर एफआईआई की बिकवाली का प्रेशर कम है। सो आज की लड़ाई हमारी ग्लोबल वर्सेस लोकल की है। अब मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूं, अब से लेकर एक्सपायरी तक। तो मेरा ये समझना है, मैं आज ही की आपकी स्ट्रेटेजी भी साथ में दे दूं, जहां ग्लोबल संकेत कमजोर है लोकल संकेत बेहतर है, बैंक के नतीजे और ये आपको थोड़ा सहारा देंगे, और एफआईआई के बिकवाली के प्रेशर में कमी आई है। एक और चीज जो है आज की स्ट्रेटेजी में जो ध्यान में रखने वाली बात है कि अमेरिकी बाजार भी कुछ हद तक ओवरसोल्ड होने के संकेत दे रहे हैं। आप शायद देख भी रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स हल्के फुल्के हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं। सो आई थिंक 4 5 दिनों से एक तरफा गिरने के बाद अमेरिकी बाजारों में भी, अनलेस अंटिल के आपको बॉन्ड यील्ड वगैरह में कुछ नया एक्शन आ जाए, वो तो अभी पता नहीं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि थोड़े हद तक ओवरसोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। अब हमारे मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है वो मैं बता दूं, जो भी ट्रेडर्स हैं स्पेशली जिनकी लॉन्ग पोजिशन है, उन्हें आज और परसों ये 2 दिन अपनी पोजिशन को संभालना है मंथली एक्सपायरी तक, क्योंकि परसों मंथली एक्सपायरी है, कल वापस बाजार बंद है दशहरे की छुट्टी की वजह से। तो 2 दिन थोड़ा सा आपको हल्का प्रेशर रह सकता है, शायद बड़ी साइजेबल रिकवरी ना आए, थोड़ा बहुत और नीचे भी देखें, मार्क टू मार्केट लॉसेस आपके स्टॉक्स में आ सकते हैं, इंडेक्स में ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो हो सकता है थोड़ी सी वहां पर आपको क्लोजिंग नीचे देखने को मिले। सो आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट वाली पोजिशनिंग 2 दिनों के लिए करनी है, क्योंकि मेरा ये व्यू है जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि दीप, मुझे लगता है कि नई सीरीज की शुरुआत से लेकर दीपावली तक मार्केट का व्यू स्टेबल से हल्का पॉजिटिव रहना चाहिए। सो आपको जो कुछ भी प्रेशर देखना है अगले 1 2 दिनों में देखना है, ये ध्यान में रखिए। तो आज की कमेंट्री में इंपॉर्टेंट चीज यही है
या अगले 2 दिनों की मैं आपको पोजीशन संभालनी है, और अगर आप थोड़ी पोजीशन हल्की करके बैठे हैं जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं और जगह है आपके पास, तो आज और गुरुवार में हल्की फुल्की आपको निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए। जी बढ़िया स्ट्रैटेजी सर, ये तो अच्छा मूड आपने कर दिया सुबह सुबह कि अब थोड़ा पोजीशन संभालिए, 1-2 दिन का रिस्क निकालिए, एक्सपायरी के बाद अच्छा मूड ही रहना चाहिए दिवाली तक। तो चलिए ये तो अच्छी चीज है, हमारे लोकल फैक्टर्स आपको थोड़ा और सपोर्टिव दिख सकते हैं। सर नंबर्स की भी बात करेंगे, उससे पहले एक बार बताएं सर आज की स्ट्रैटेजी। हाँ आज की स्ट्रेटेजी बताऊँ दीप, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूँ। जब हम खरीदारी करने की बात कर रहे हैं, नीचे पोजीशन संभालने की बात कर रहे हैं, तो करनी कहाँ है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो निफ्टी पर है 19,350 से 19,450 की रेंज में। ज्यादा प्रिसाइसली आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा 19,335 19,435 है, लेकिन 15-15 पॉइंट का क्वेश्चन मैंने लेके ये किया है। इस रेंज में निफ्टी आज और अगर गुरुवार को आता है तो आपको किसी के इन्विटेशन का इंतजार करना नहीं है और चुपचाप खरीद लेना है और खरीद के शांति से बैठ जाइए। थोड़ा बहुत रिस्क रहेगी तो रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं कहीं तो आप नीचे के लेवल पे खरीदना शुरू करेंगे, और अगर आप करना चाहते हैं तो ये लेवल बहुत परफेक्ट है जहां पे आपको हल्की फुल्की बाइंग करनी चाहिए। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और स्टॉक्स के हिसाब से आप जो भी, और ये जो खरीदारी की राय है ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, जिनको 5-7 दिन के लिए ट्रेड करना होता है उनके लिए ये रेंज एकदम परफेक्ट है जहां पर उनको खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी दीप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बैंक निफ्टी एकदम अपने क्रूशियल लेवल पर है, और अगर आज आईसीसी बैंक के नतीजे के बाद भी बैंक निफ्टी नहीं संभलता है तब तो मामला है गड़बड़, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं बैंक निफ्टी भी सपोर्ट ले लेगा, और उस लिहाज से आपको जो बैंक निफ्टी पर रेंज का फोकस करना है वो बहुत नजदीक है, 43,500 43,600 इस रेंज पर आपको फोकस करना है। अगर 43,500 हम तोड़ते नहीं, पिछले 2 दिनों से हम 43,550 के आसपास लो बना रहे हैं, और अगर वो नहीं तोड़ते हैं और वो बने रहते जो कि रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 43,500 43,600 बैंक निफ्टी के लिए भी परफेक्ट रेंज है। और आपको याद ही होगा मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, कितने हो गए 106 ट्रेडिंग सेशन हो गए 43,600 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, 106 ट्रेडिंग सेशन। छोटा सपोर्ट लेवल नहीं है, बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, तो आई थिंक उसको सपोर्ट मान के आप देखिए बंद कहा 43,750 के आसपास, राइट, तो कितनी रिस्क है, मुश्किल से 250 पॉइंट की रिस्क है बैंक निफ्टी में, जो 0.5% के आसपास होती है मुश्किल से। सो आई थिंक अब नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट के बाद आपके लिए नीचे जाने की स्कोप कम है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर ले रहा है खरीदने के लिहाज से, और शायद रिकवरी में भी पहले आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखनी चाहिए। जी एब्सोल्युटली, तो बैंक्स पर रखिए नजर, थोड़ा रिएक्शन